नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, बहुत सी बीमारियों को साधता है अर्जुन का जो छाल होता है वो। तो अर्जुन की छाल का इस्तेमाल कैसे करना है, कमाल तो इसमें है। और इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करके कैसे आप कुछ एक बीमारियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और निजात पा सकते हैं, जैसे कि स्तन कैंसर, दिल से जुड़े हुए रोग, डायबिटीज, आपका मोटापा बढ़ना रुकेगा, मुंह के छाले दूर होंगे। पर इन सभी के लिए कैसे इस्तेमाल करना है समझना ये है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में अर्जुन के छाल के पौधे के बारे में पहले हम आपको बताएंगे, फिर इससे खत्म होने वाले रोगों के बारे में बताएंगे, फिर इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बताएंगे। हमने आपको कुछ रोग बता दिए जो कि ठीक होते हैं, लेकिन कैसे ठीक होते हैं, और भी बहुत से रोग खत्म होते हैं जब इसके छाल का आप इस्तेमाल करते हैं तो, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है ये समझने के लिए इसे जानना बहुत जरूरी है, और इसके लिए ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल जाए। मुझे खुशी मिलती है जब भी आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं तो प्लीज कर दीजिए। आयुर्वेद में अर्जुन के पेड़ को कई औषधीय गुणों से भरा हुआ माना जाता है। अर्जुन के पेड़ की छाल सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। इस पेड़ की छाल का पाउडर बना करके उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिए, इसका पाउडर ही काम में लाया जाता है। अर्जुन का पेड़ भारत में अगर आप ढूंढेंगे कि कहां मिलेगा, ये बहुत से लोग पूछ सकते हैं, तो हिमालय की तराई में, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अर्जुन के पेड़ में बीटा सिटोस्टिरोल, इलेजिक एसिड, ट्राईहाइड्रोक्सी ट्राइटरपीन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, अर्जुनिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण यह रोग को दूर करने के लिए काफी उपयोगी होता है। अर्जुन की छाल से हृदय रोग, क्षय, पीत, कफ, सर्दी, खांसी, अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल और मोटापे जैसी समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी काफी उपयोगी और खूबसूरती बढ़ाने वाली क्रीम के अलावा स्त्री रोगों में भी उपयोगी औषधि है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अर्जुन की छाल के इस्तेमाल से स्तन कैंसर को कैसे रोका जा सकता है। कई रिसर्च में ये खुलासा हुआ है कि अर्जुन के पेड़ में कसुआरिनिन नाम का रासायनिक घटक पाया जाता है, इसके कारण शरीर में कैंसर की कोशिकाएं फैल नहीं पाती हैं। विशेष करके स्तन कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में अर्जुन की छाल बड़े काम की औषधि के रूप में कार्य करता है। यदि गर्म दूध में अर्जुन के पेड़ की छाल को बारीक पीस करके रोज सेवन किया जाए तो स्तन कैंसर से बचा जा सकता है, लेकिन इसकी मात्रा कितनी होगी इसके जानने के लिए आप सभी अंत तक बने रहिए। दिल के रोगियों के लिए रामबाण औषधि है। जी हाँ, अर्जुन की छाल दिल के रोगियों के लिए एक असरकारक दवा है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और थोड़ा भी पैदल चलने पर सांस फूलने लगती है, उन्हें अर्जुन की छाल की चाय अवश्य पीनी चाहिए। अर्जुन की छाल धमनियों में जमने वाले कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। इससे दिल को रक्त पहुंचाने वाली धमनियां सुचारू रूप से कार्य करने लगती हैं। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड का ज्यादा स्तर अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो हार्ट के लिए ये घातक है, हमारी जान के लिए घातक है। इससे कई बार हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। ऐसे मरीजों को रोज अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में अवश्य करना चाहिए। अगली बीमारी है डायबिटीज के रोगों के लिए। जी हाँ, अर्जुन की छाल एक साथ कई बीमारियों को ठीक कर सकती है। कैंसर और दिल से संबंधित बीमारियों के अलावा डायबिटीज की बीमारी को नियंत्रित करने में अर्जुन की छाल बहुत काम की औषधि है, लेकिन इसके लिए अर्जुन की छाल के साथ आपको देसी जामुन को बराबर मात्रा में मिला करके पीस करके चूर्ण बना लेना चाहिए। इस चूर्ण को रोज सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए, डायबिटीज के मरीज के लिए ज्यादा फायदेमंद रह जाता है। इसके अलावा मोटापा अगर आप चाहते हैं कि ना बढ़े और रुक जाए, आपका वजन जितना है उतना ही सॉलिड रहे, तो भी ये बेस्ट औषधि है। अर्जुन की छाल का काढ़ा पीजिए, इससे मोटापे की समस्या नहीं होती है कभी भी। पाचन तंत्र इससे आपका स्वस्थ रहता है, मेटाबॉलिज्म सही रहता है। यदि लगातार इसका सेवन किया जाए तो सिर्फ एक महीने के अंदर ही आप अपने वजन को नियंत्रित देख सकते हैं। अर्जुन की छाल इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है, जिससे कि सर्दी खांसी जैसी बीमारियां नहीं होती हैं और कोरोना जैसी महामारी से भी आप बच सकते हैं। इसके अलावा मुंह के छाले दूर होते हैं। अर्जुन की छाल चूंकि पेट साफ करती है और इसकी तासीर ठंडी होती है, इसीलिए यदि इसका रोज सेवन किया जाए
तो कभी भी मुंह के छाले नहीं होते हैं। इसके अलावा यह खून को बगैर दवा लिए प्राकृतिक रूप से पतला करने की भी औषधि है। जिनके ब्लड में थक्का बन रहा हो उनके लिए अच्छा है। इसके सेवन से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है। ये इसलिए भी अच्छी औषधि है, अर्जुन की छाल की तासीर ठंडी होती है गर्मी में, इसीलिए ये ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन जिन लोगों को सर्दी जुकाम रहता है वो लोग बिना आयुर्वेदिक किसी जानकार के सलाह के ना लें, क्योंकि ये ठंडी प्रकृति की होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी सही मात्रा क्या होनी चाहिए सभी के लिए। तो ध्यान रखिए, लगभग 5 से 10 ग्राम के बीच की मात्रा आपके लिए पर्याप्त है। चाय बनाए तो भी इतना डाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी, आप जामुन के साथ मिक्स करके डायबिटीज के लिए ले रहे हैं तो भी, आपके लिए बेस्ट औषधि है। 10 ग्राम की मात्रा हर रोज सेवन कीजिए। आपको ये शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेगी और अनेक बीमारियों को दूर करेगी। आयुर्वेदिक औषधियों की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आपको बीमारी है तभी नहीं इस्तेमाल करना है, बस आप ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा देंगी। यह आज की वीडियो रही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।